Hello everybody, welcome to this live. I'll just let people come in. Yes, people should join in. So people are joining in. Aaj ka live bahut important hai. Pehli baat to mera naam Kabir hai. मैं रेड एफएम पुणे में काम करता हूं और आज का लाइव बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज आज हमारे साथ वो एक ऐसा शख्स होने वाला है जो कि खुद क्वारंटाइन में है, यानी कि गवर्नमेंट ने उन्हें क्वारंटाइन फैसिलिटी में रखा हुआ है, यानी कि जब उनकी फ्लाइट दुबई से लैंड हुई तो उन्हें गवर्नमेंट ने जो है अपने पास रख लिया 14 डेज के लिए इन ऑब्जर्वेशन. वो इंसान लाइव हमसे वहां से बात करेंगे, विल गेट इन टच with him on Instagram. His name is Rajat. And हम उनसे पूछेंगे कि क्या facilities हैं वहाँ पे, क्या चल रहा है, because बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, हमारे मन में. बहुत सारी खबरें आती हैं, बहुत सारे WhatsApp messages आते हैं, बहुत सारी news आती है जहाँ पे बहुत सारी बातें जो है हमें पढ़ने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं. एंड वी आर रियली कन्फ्यूज्ड कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है. बहुत डर बना हुआ है. उस डर को खत्म करने के लिए, उस पैनिक को खत्म करने के लिए हम उनके साथ लाइव जाएंगे राइट नाउ. वो जहां पे हैं, जिस जगह पे हैं, वहां से. So let me get in touch with him. Now, and I'm going to talk to him. Exactly, government ने क्या facilities बना रखी हैं वहाँ पे, क्या चल रहा है. और इस नमस्कार. Hello Rajat. नमस्कार. Hello. How are you? नमस्कार. आदाब. सत श्री अकाल. कैसे सारे? Hello India. मैं ऐसे वैसे बात नहीं करूँगा. आप कैसे? घबराइए नहीं. इसको उतार देता हूँ फिलहाल के लिए. हाँ, तो आराम से बात करते हैं. ओके, सो रजत जो है, ही वाज आल्सो माय इन माय कॉलेज. हम साथ में पढ़ाई करते थे. एंड सुबह 5 बजे की बात है जब मैं बैठा हुआ था, यू नो, वी प्रिपेयरिंग फॉर द शो. हम सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं एंड वी वर प्रिपेयरिंग ट्राइंग टू गेट द बेस्ट कॉन्टेंट फॉर यू. और आई सॉ हिज वीडियोज जहाँ पे इन्होंने लिखा था कि ये कौन सी तारीख को आए थे? 19 तारीख को. मैं 19 को आया था. 19 को मैं, हाँ, दुबई से आई और उसके बाद इनको दिल्ली एयरपोर्ट पे आई. दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट 19th को 4 बजे मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा. जहाँ पे बहुत सारा क्योस था, पब्लिक बहुत ज्यादा बौखला गई थी. ठीक है, स्पाइस जेट के ऑलमोस्ट 300 से 400 लोग वहां पे थे. कभी फॉर्म भरा रहे थे, कभी वहां नई लाइन लगा रहे थे. पीपल वर रियली रियली टेरिफाइड. आई मीन दे रियली डोंट वांट टू गो इन क्वारंटीन फॉर 14 डेज. उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत ही, मुझे एक बात बताओ, बहुत सारे वीडियोस ट्विटर पे, इंटरनेट पे फ्लोट हो रहे हैं जहाँ पे बोला जा रहा है फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, ये वो ऐसा वैसा. पहले बिफोर वी स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, जो लोग हमें इस समय देख रहे हैं, मैं उन्हें फिर बताना चाहूंगा, रजत जो है गवर्नमेंट की दी हुई क्वारंटीन फैसिलिटी में है, इस समय दिल्ली में है. और जो भी खबरें आ रही है कि यू नो आइसोलेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, खाना नहीं मिल रहा है, गंदगी है, तो तुम एक बार कैमरा पलट के दिखाओगे कि एग्जैक्टली तुम्हें कहाँ रखा गया? बिल्कुल. ओके, सो ये है मेरा कमरा. ठीक है, यहाँ मैंने अपना सामान रखा हुआ है. बहुत ही नीट एंड क्लीन कमरा है. एसी है यहाँ पे, स्पेशियस कमरा है. ठीक है, ये एक रूम है पूरा. ठीक है, ये पूरा एक रूम है जहां मैं रहता हूँ. और यहाँ पे मैंने अपने कुछ सामान रखे हुए, एक्सेसरीज जिनको मैं डेली यूज करता हूँ. जैसे मास्क हो गया, तो मैं डेली मास्क यूज करता हूँ. ठीक है, ये शैम्पू है, घड़ी है, ये मेरी थायराइड की टैबलेट्स है, ब्रश है, ये यहाँ, ये मैं अपना टेम्परेचर नोट करता हूँ इस कागज पे. ठीक है, ये मैंने अपना बैग वैग रखा हुआ है. यहाँ पे बॉटल रखी हुई है. बाकी चीजें भी मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या है मेरे पास, क्या क्या चीजें है. यहाँ पे एक अलग रूम है, ये भी एक रूम है जो अटैच है मेरे रूम के साथ. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 2 BHK जहाँ पे मैं अकेले रहता हूँ. 2 BHK जहाँ पे मैं अकेले रहता हूँ. और यहाँ मेरा बाथरूम है इस साइड से. ये मेरा बाथरूम है जो रोज मैं, जी बताइए. कितना साफ सुथरा, मतलब जो भी खबरें हम सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज दे रही है, जो क्वारंटाइन में रख रही है, वो गंदी है, खराब है, ये गलत है. ये सारी अफवाहें हैं. मैं लोगों को थक गया बोल बोल के कि प्लीज अफवाहों से दूर रहिए, स्पेकुलेशन से दूर रहिए. पीपल आर एक्चुअली यू नो स्प्रेडिंग द फैब्रिकेटेड न्यूज, लोगों के बीच में पैनिक क्रिएट कर रहे हैं. तो ऐसे इन झमेलों में मत फंसिए. मैं यहाँ पे गवाह हूँ. आई एम अ लाइव एग्जाम्पल. आई एम जस्ट डीलिंग विद दीज पीपल. दीज पीपल आर हम्बल.
down to earth. They are actually, you know, serving at your door. I mean, ये खाना आपको provide कर रहे हैं तीन तीन time regularly, हर दिन और on time खाना देते हैं, हर दिन bathroom साफ होता है, हर दिन कमरा साफ होता है. I mean, इससे बेहतरीन सर्विस कहाँ से आपको कहाँ मिलेगी? आप मेरे को ये बताइए. ये देखिए, एसी है यहाँ पे इंटरनेट मेरे पास है, जहां से मैं लोगों से बात कर पा रहा हूँ, लोगों से कनेक्ट हो पा रहा हूँ. तो इससे बेहतरीन सर्विस मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे सकती है, और ये आपके भले के लिए है. और मैं आप लोगों को ये बताना. जी शुरुआत से शुरुआत करते हैं. सो बेसिकली यू केम फ्रॉम दुबई एंड दिल्ली एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोगों को बोला गया कि आपको 14 दिन के ऑब्जर्वेशन, इसको मैं बोलूंगा ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा. इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो है कोरोना वायरस हो गया है या इन्फेक्शन हो गया है. यू हैड एन ऑब्जर्वेशन बिकॉज़ यू केम फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, और आपको बोला कि ताकि ये क्योंकि सिम्टम्स 14 दिन बाद आते हैं, तो आपको बोला कि ताकि आप दूसरों को इन्फेक्ट ना कर दें, बिकॉज यू डोंट नो वेदर यू हैव इट और नॉट. मैं इसी पॉइंट पे मैं आने वाला हूं, इसी पॉइंट पे मैं आने वाला हूं. तो लोग जो है काफी डरे हुए हैं, अननेसेसरली डरे हुए हैं. इसके पीछे दे आर एक्चुअली बिहेविंग वेरी इरेशनल. मेरे को समझ नहीं आ रहा कि किस बात का डर है. आप यहाँ पे, आप अगर दूसरी कंट्री से आए, आपको भी पता है, हमें भी पता है, और लोगों को भी पता है कि दुबई जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट नेशन है, हाँ, जिसमें जो इन्फेक्टेड हुआ है. ईरान, इटली और चाइना के बाद दुबई है जो इन्फेक्टेड हुआ है, और दुबई से काफी लोग इंडिया आए हैं जो कोरोना पॉजिटिव निकला है उनको रिजल्ट. ये सबको पता है. तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी कोने से अगर आप आ रहे हैं इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको सिर्फ इतना बोला है कि आप हमारे 14 दिन हमारे पास रहिए, हम आपको सारी फैसिलिटी देंगे. 14 दिन के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा आपको कफ है, जुकाम है, नाक से पानी निकल रहा है, आंख से पानी निकल रहा है, सर दर्द है, उल्टी आ रही है, फीवर है. अगर आपको ये सिम्टम्स अगर यहाँ के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर आपको आइडेंटिफाई करेंगे, अगर आपके ये सिम्टम्स पकड़े गए 14 दिन के अंदर अंदर, तब आपको हॉस्पिटल भर्ती किया जाएगा, तब आपको ब्लड सैंपल आपसे लिया जाएगा, तब आपको आगे प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन दिए जाएंगे. लेकिन अगर आप 14 दिन में हट्टे कट्टे हो, 14 दिन में अगर आपको कुछ नहीं है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर हेल्थ, देन यू कैन कंप्लीट योर 14 डेज एंड यू कैन गो बैक होम. और इन 14 दिन में तो यार आपको तो facilities are phenomenal, man. It's commendable. I mean, I was shocked. You were talking, and Rajat ने मुझे बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ससुराल आया हूँ, मैं वहाँ का तमाशा देख रहा हूँ. अच्छी खाते सारी की जा रही है तुम्हारी. अच्छा मुझे क्या मैंने तेरे को बोला था. ये जो इतने सारे myths हैं कोरोना वायरस को लेके, ये myths को burst करना बहुत जरूरी है. Panic create हो रहा है, इसको खत्म करते हैं. पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा पूरा दिन कैसे रहता है, वहाँ के लोग कैसे हैं, डॉक्टर्स कैसे हैं. जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया इंस्टा पे, आई वांट टू टेल देम वी आर टॉकिंग टू रजत. इन्हें दिल्ली में क्वारंटाइन में रखा गया है गवर्नमेंट ने, बिकॉज इनकी फ्लाइट दुबई से आई थी, इनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया, इनको कोरोना हुआ नहीं है. बट ही इज विद मी राइट नाउ सो दैट वी कैन एक्चुअली टॉक अबाउट जो पैनिक जो क्रिएट हो रहा है उसको खत्म कर सके, और जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज को लेके एक डाउट है हमारे मन में उसको खत्म कर सके. सो क्या क्या होता है वहां पे सुबह का दिन कैसे? मैं सुबह उठता हूँ आराम से, मेरे को मॉर्निंग टी आती है, अखबार आता है, वो मैं पढ़ता हूँ मजे से, इत्मीनान से. उसके बाद एक घंटे बाद नाश्ता आता है, नाश्ते में पराठे होते हैं, नाश्ते में अलग अलग वैरायटीज होती है, पोहा होता है, उपमा होता है. मेरे को लगता है यार ये यार ऐसी खातिरदारी तो मतलब मम्मी भी नहीं करती घर पे. और उसके बाद चाय मिलती है मेरे को स्पेशली उसके बाद. और हाँ, ब्रेकफास्ट के बाद मुझे फ्रूट मिलता है, और वो फ्रूट मतलब यूजुअली ये संतरा प्रोवाइड करते हैं, ऑरेंज. हाँ, ऑरेंज मैं इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि विटामिन सी होता है, और विटामिन सी मैं जनता को भी यही बोलना चाहता हूँ, जितना विटामिन आप इनटेक करेंगे आपका इम्यूनिटी सिस्टम उतना ही स्ट्रांग होगा. अभी मैंने दुबई से ये टैबलेट मंगवाई है विटामिन सी, दिस इज 1000 mg. इफ यू विल फाइंड दिस टैबलेट nearby to your pharmaceutical store, तो खरीदिए जाके. मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ 1000 mg की खरीदिए. इसको पानी में डालना होता है, इसमें कुछ टेबलेट्स होती है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. ये टेबलेट्स होती है, इसको पानी में डालते हैं, वो डिजोल्व हो जाती है. एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, उसके बाद लंच मिलता है मेरे को. लंच में पूरा थाली जैसे होता है ना, जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, चावल, रोटी, सब्जी, दही, रायता, सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर. और कभी कभी तो मैं बोलता हूँ यार मेरे को भूख लग रही है यार, और एक और मिल सकता है, वो एक और देते हैं मेरे को. एंड पीपल आर सो हम्बल. आई मीन दे इनकी रोज की ये ड्यूटी हो गई है यार.
आप सोचो यार, ये रोज ये कर रहे हैं, रोज हमको सर्व कर रहे हैं, नेशन को सर्व कर रहे हैं हम. कभी कभी क्या होता है, हम कोई भी काम हम अगर रेगुलरली करते हैं ऑफिस में या मोनोटनी हो जाती है यू नो, तो हम कितने चिढ़ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं. मगर ये लोग, इनकी डेडिकेशन देखो यार. मैं 5 दिन से यहाँ पे हूँ. आई मीन आई कैन नॉट जज, मेरे से पहले भी काफी लोग यहाँ पे होंगे, आए होंगे, ठीक है. तो इनकी डेडिकेशन देखो यार, इनका बिहेवियर देखो. Somebody's at the door. Just give me a minute. जो लोग इस समय में देख रहे हैं, आप भी अपने सवाल यहाँ पे डाल सकते हैं. अगर आपको रजत से कुछ पूछना है, some doubt in your head, हम सबके घर दिमाग में सारे doubt, सारे messages हम पढ़े. If you want to ask him some question, कोई सवाल है आपके दिमाग में, अगर आपको कोई भी question पूछना है, आप बेझिझक पूछ सकते हैं मेरे से. कोई पूछ रहा है टैबलेट कौन सी, इट्स अ विटामिन सी नॉर्मल टैबलेट. आप बेसिकली इम्यूनिटी बढ़ाता है. आप अगर टैबलेट लेना चाहते तो आप नींबू पानी भी पी सकते हो. हमारे साथ हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट, he is right now live from the quarantine facility जो उनको गवर्नमेंट ने दी है. मैं छतरपुर, हाँ मैं छतरपुर मंदिर ऑपोजिट टू हनुमान मूर्ति तेरापति भवन, तो इधर मैं अभी लोकेटेड हूँ, जो कि गवर्नमेंट ने मेरे को प्रोवाइड किए इंडिविजुअल रूम्स. तो हाँ, तो मैं लंच के बाद फिर मेरे को ब्रंच मिलता है, चाय और स्नैक्स मिलता है, उसके बाद डिनर मिलता है. आई मीन जस्ट लुक द कंसिस्टेंसी यार, सर्विस में देखो ना कंसिस्टेंसी कितनी है. इतनी परेशानियां झेल रहे हमारे डॉक्टर्स और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको खाने का टाइम नहीं है, उनको सोने का टाइम नहीं है. वो सिर्फ ये बोल रहे हैं पब्लिक को, प्लीज अगर आप 14 दिन क्वारंटीन नहीं करेंगे, अगर आप ऐसे ही घर चले जाएंगे, खुदा ना खास्ता किसी को अगर पॉजिटिव निकला, वो अपनी फैमिली को भी ट्रबल में लाएगा, दोस्तों को भी ट्रबल में लाएगा, और बाहर कितनी जगहों पे फैलाएगा वो बंदा. एक बंदे से हजार बंदे इन्फेक्टेड हो सकते हैं. तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा एक मेथड निकाला है कि इसको रोका जाए. और मैं ये कहना चाहता हूँ पब्लिक को कि समर आएगा, गर्मियां आएंगी और ये खत्म हो जाएगा, ये एक मिथ है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये अभी प्रूव नहीं हुआ है. साइंटिस्ट ने ये अभी तक तो प्रूव किया ही नहीं है. अच्छा मुझे एक बात बताओ ना कि मतलब वहां पे आपने बोला पीपल आर रियली स्वीट टू यू, आपने मुझे एक पर्चा दिखाया था जहाँ पे कुछ टेम्परेचर्स लिखे हुए थे. सो डॉक्टर्स कम रेगुलरली, दे चेक यू, हाउ डज इट वर्क? डॉक्टर कम रेगुलरली एवरी डे, दे चेक माई बीपी, दे चेक माई टेम्परेचर. वो मेरे से पूछते हैं हर दिन, आपको जुकाम तो नहीं है, आपको कोई चीज तो नहीं चाहिए, आपको सारी यहाँ पे सुविधा है, एक्सेसरीज है, कोई आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, फीवर तो नहीं आपको आ रहा है, कोल्ड तो नहीं हो रहा है, आपको थ्रोट इन्फेक्शन तो नहीं लग रहा है, बॉडी एक तो नहीं हो रहा है, आपको कोई भी सिम्टम हो रहा है, प्लीज हमें जल्द से, हमको हम वी आर जस्ट वन कॉल अवे, हम नीचे ही है, तो आप हमें कभी भी बता सकते हैं. दे आर सो केयरिंग, दे आर अमेजिंग पीपल. आई मीन I don't have words to describe their service. They're phenomenal. And एक बार और तुम जो नए लोग हमसे join हुए हैं, you want to show them the room, the where you're staying? Yeah, definitely. And, so we can just break the whole दिमाग में जो डर है कि हमें कहाँ रखा जाएगा, कैसा होगा. ये देखिए, ये मैं आपको बाहर से एक बार मैं आपको थोड़ा सा बाहर का भी व्यू दिखा देता हूँ. तो ये मेरा थोड़ा कॉरिडोर है. एक मिनट, just a moment. Alright, so ये क्या हो गया? Okay. तो ये मेरा कॉरिडोर है, ठीक है. ये देखिए, ये कॉरिडोर है, और ये हमारे यहाँ पे मेंटी, हमारे भैया, आपका नाम भैया? दीपक भैया है. तो ये दीपक जी हेलो बोल रहे हैं, आप इंस्टाग्राम लाइव पे हो, ठीक है. आपको मैं बोलना चाहूंगा, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वी आर सो प्राउड ऑफ यू. आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं, पूरे भारत देश की तरफ से आपको सैल्यूट है. थैंक यू सो मच. आप कबीर, आप देख सकते हो इनका कॉस्ट्यूम कितने ये सिक्योर रहते हैं ऊपर से नीचे तक. ये देखिए चश्मा, अपना मास्क लगाया होगा ऊपर से नीचे तक पूरा. ये देखिए कितना सिक्योरिटी लेके घूमते है ये, कितने, आई मीन दे आर, मेरे पास वर्ड्स नहीं है इनको, दे आर अमेजिंग पीपल यार. थैंक यू सो मच फॉर द सर्विस. और ये देखिए यहाँ पे पूरा हॉल है, ठीक है. थोड़ा सा यहाँ वॉक वगैरह अगर जो करना होता है, जब बोर हो जाता है बंदा, तो यहाँ पे वॉक वगैरह करता है यहाँ पे, ठीक है. और ये है मेरा रूम, और रूम पे हर दरवाजे के ऊपर ये लगाया हुआ है, प्रिकॉशंस लगाए हुए है, सिम्टम्स जो है ना, कुछ बेसिक नॉलेज अबाउट COVID-19 ये लगाए हुए दरवाजे पे, ताकि बंदा हमेशा अफर्मेशन देता रहे खुद को कि हाँ भाई मुझे हेडेक्स नहीं होना, हेडेक है,
डिफिकल्ट ब्रीदिंग, तो मतलब ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कफ तो नहीं है, स्नीजिंग तो नहीं है, आई मीन फीवर तो नहीं है. तो ये सारी चीजें जो है ये एक अफर्मेशन देने के लिए, हमको रिमाइंडर कॉल करने के लिए ये पोस्टर्स लगाए हैं छोटे छोटे. और मैं पब्लिक को ये भी बोलना चाहता हूं कि जब भी आपको स्नीज आए आप हाथ टिश्यू का यूज ना कीजिएगा, क्योंकि हाथ जब आप स्नीज ऐसे करते हैं तो आप यूजुअली अपने हाथ चेहरे पे लगाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, है ना, हमेशा ऐसे ऐसे स्नीज करिए, क्योंकि आप ये एक ऐसा पार्ट होता है जहां पे आप टच नहीं करते हो. एक ऐसा पार्ट होता है यहाँ पे आप टच नहीं करते हो, तो हमेशा ऐसे स्नीज करिए. और मैं जनता से ये बोल सकता हूँ जी, मुझे एक बात बताओ, पेरेंट्स ऑब्वियसली आप कहीं पे भी हो लेकिन जब पेरेंट्स को पता चलता है कि बेटे को 14 दिन के लिए रख लिया है तो वो घबरा तो जाते हैं. प्लीज अपने घर पे ही रहे, घर से बाहर मत निकले. मैं सोचे कि मैं घर चला जाता हूँ बिकॉज ट्रैवलिंग इज वेरी वेरी रिस्की, वैसे भी अब फ्लाइट्स बंद हो चुके हैं. लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब पेरेंट्स को बताया उनको समझाया कैसे, एंड ऑल द पेरेंट्स हू आर वॉचिंग राइट नाउ, कैसे समझाया कि यू नो कोई सब कुछ ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम. देखो पेरेंट्स को समझाने का सिर्फ एक ही तरीका है. मैंने अपने घर वालों को ये बोला था कि अगर मैं यहाँ नहीं आता और अगर मैं दुबई से सीधे घर आ जाता और मेरे को पॉजिटिव निकलता और वो आपको भी हो जाता, मम्मी को भी हो जाता, मेरी बहन को भी हो जाता, क्या वो आप एक्सेप्ट करते? क्या आप ये आप एक्सेप्ट करना पसंद करोगे कि वो आप एक्सेप्ट करना पसंद करोगे? आप कौन सा केस एक्सेप्ट करना पसंद करोगे? अगर मैं यहाँ पे स्किप करता और वहां आ जाता, मे बी भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, सारी फैमिली चपेट में आ जाती, क्या आपको वो अच्छा लगता कि जहां जो अगर मैं अभी यहाँ पे हूँ अंडर ऑब्जर्वेशन गवर्नमेंट के इस सेक्टर में, ठीक है, ये आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा बिकॉज ये लॉजिक बताता है. ये मेरी जिंदगी बचाएगा कल को. अगर कल को खुदा ना खास्ता कुछ हुआ, कुछ पॉजिटिव निकला, तो मेरे को ट्रीटमेंट दी जाएगी. अभी फ्री की ट्रीटमेंट मिल रही है. कल को ये अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया, लेने के देने पड़ जाएंगे. जो गरीब लोग होंगे उनका क्या होगा यार, सोचो. इसलिए अभी जितना प्रिकॉशंस ले सकते हो, ये देखो सैनिटाइजर है, ये हमेशा मैं साथ रखता हूँ अपने जी. कुछ चीजें हैं जो मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ. सैनिटाइजर रखिए अपने साथ, सैनिटाइजर नहीं है तो अपने साबुन से हाथ धोइए. लोग पूछ रहे हैं आपको कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वहाँ पे अबाउट कोरोना वायरस, या बेसिक इंस्ट्रक्शन जो सबको दिए जा रहे हैं, हाथ धोएं, ये सब करें, वो ही है? देखिए ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये आईटी सेक्टर नहीं है कि हर महीने बाद अपडेट होता रहेगा. ये वही चीजें हैं, हमें उन्हीं चीजों का ध्यान रखना है. मगर हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब तक कोई दूसरा बंदा नहीं बोलेगा ना, तब तक हम विश्वास नहीं करते उस चीज पे. हमको वही एक फॉर्मेट की इंफॉर्मेशन फॉलो करनी है डेडिकेटेडली, रिलीजियसली. मैं आपको बताता हूँ, ये सैनिटाइजर है, ये मेरे को बोला हुआ है, विटामिन सी है जी, हाँ, एंड शी इज आल्सो वाचिंग एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर रियली अप्रिशिएटिंग दैट वी हैव गॉट यू ऑन द लाइव. एंड कुछ लोग कोलकाता से हैं, बेसिकली पूरा भारत देश इस समय आपको देख रहा है. एंड दोबारा जो लोग अभी भी ज्वाइन किए उनको रिपीट करके बताना चाहता हूँ, इस समय रजत जो है गवर्नमेंट की आइसोलेशन फैसिलिटी में, क्वारंटीन फैसिलिटी में, वहां से हम लाइव बात कर रहे हैं उनसे, ताकि ये जो मिथ्स हैं, ये जो इतना जबरदस्ती का डर हमने बना रखा है उसको बाहर निकाले और जो गवर्नमेंट बोली उसको फॉलो करें, एवरीथिंग इज फाइन. मुझे क्या बताओ, पूरे दिन घर पे रहते हो तो फिर अब इसको घर ही बोलेंगे, घर ही है तो एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो? एंटरटेनमेंट के लिए मैं गाना वाना गाता हूँ. गिटार दे, हाँ गिटार है वहाँ पे. सो यू प्ले? हाँ आई प्ले आई यूजुअली यू नो कीप माय सेल्फ बिजी. ये मेरा गोप्रो है कैमरा, ठीक है, तो मैं गोप्रो कैमरा से बाहर जाता हूँ, शूट वगैरह करता हूँ, लोगों को इंटरव्यू लेता हूँ, तो ये सब करता हूँ. और गिटार पे मैं गाना वाना बजाता हूँ, माइंड डाइवर्ट करता हूँ लोगों को. हाँ अच्छा, कुछ गाना? हाँ अच्छा ठीक है, ओके. सो वेट अ सेकंड, आई डोंट थिंक दिस हैज एवर हैपेंड. हम मतलब मैं लोगों को मैं मार रहे हैं. हाँ मैं कबीर में लोगों को क्वारंटीन में है, वो वहां से बैठ के गिटार बजा रहा है, यानी कितना परेशान होने पे कोई बल. वही मैं बोल रहा हूँ, वही कहना चाहता हूँ कि कबीर मैं क्वारंटीन में बैठा हूँ, जहां लोग बोल रहे कि यार ये खतरे वाली जगह है, ये खतरनाक जगह है, उधर मैं गिटार बजा रहा हूँ, रोज चार फिल्में देख रहा हूँ, ठीक है, म्यूजिक सुन रहा हूँ, अपने गोप्रो से शूटिंग करता हूँ, खाना मेरे को तीन तीन चार चार मील्स मिलते हैं मेरे को हर दिन, और क्या चाहिए यार, किस बात का डर है यार तुम्हें?
जब तक कोई सिम्टम नहीं हो तब तक मतलब क्यों डरना यार फालतू में. अच्छा एनीवेज इसी बात में बढ़िया सा गाना. क्यों आज कल नींद कम ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है, गगा फकीर आज दिल शहजादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है, क्या मुझे प्यार है, कैसा खुमार है, क्या मुझे प्यार है, कैसा खुमार है. अगर कोई गाना रिक्वेस्ट करना चाहता है तो प्लीज कर सकता है कमेंट्स में. एनीबडी हु वांट्स टू रिक्वेस्ट सॉन्ग दे कैन रिक्वेस्ट सॉन्ग. कोई सवाल पत्थर के रास्तों पे फूलों की जब से मिले हो हमको बदला हर एक मंजर है. देखो जहां में नीले नीले आसमां तले रंग नए हैं जैसे जैसे गुलते हुए सोए से ख्वाब मेरे जागे तेरे वास्ते. क्या मुझे प्यार है, कैसा कुमार है, वानीदा रंग देख के, वानीदा रंग देख के अखियां जान जोड़ दे. वाही आना आया मेरा, वाही आना आया, वाही आना आया मेरा, वाही आना आया, रांझणा ना आया मेरा, वाही आना आया, वाही आना आया मेरा, रांझणा ना आया खादा नूर वेख के, अखां दा नूर वेख के, मेरी अखियां जुड़ जुड़ दे. घोटे उत्ते बह के अखियां मिला दे, आ जा रहा मैं तू कहीं छोड़, तेरे उत्ते मरदा प्यार तेनू करदा, मिलेगा तू में ना कोई और. Thanks guys. मैं बता रहा हूँ दिस इज हिस्टोरिक, दिस इज लाइक इट्स नेवर हैपेंड बिफोर कि जो हमने इतनी डर बना रखा है उस डर को खत्म करने के लिए. बिल्कुल कबीर मैं एक और कबीर मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ कि वैसे क्योंकि कोरोना की कोई किट नहीं आई है अभी तक, ठीक है, तो मैं लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज घर पे 3 बारी टेम्परेचर चेक करना ना भूलिएगा. ये आप अपने दिस इज एक्चुअली ए देसी काइंड ऑफ किट, मतलब तुम देसी इलाज, मतलब देसी तरीके से आप डायग्नोस कर सकते हो. 3 बारी हमेशा दिन में चेक करिएगा कि आपको फीवर तो नहीं है. और मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आई बेग ऑफ दोज पीपल, प्लीज बाहर ना निकलिए प्लीज, क्योंकि बाहर निकलने से आप और ज्यादा इसको फैलाएंगे. ये जो सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज है ये खुदा ना खास्ता इंडिया फोर्थ स्टेज तक आप लोग पहुंचा रहे हैं इसको, तो प्लीज ऐसा ना करिए यार. और बाकी जी तो मुझे लास्ट चीज बताओ कि जाते जाते ये तो हमने मिथ ब्रेक कर दिया कि ये जो फालतू का डर हमारे दिमाग में है वो नहीं रखना है. गवर्नमेंट जो कह रही है उसको फॉलो करो, बी एट होम, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग टू बी फाइन. एक्चुअली कबीर मैंने कुछ पॉइंटर्स भी लिखे हैं, तो मेरे को कुछ एकदम क्विकली मेरे को पब्लिक को बताना है, मेरे को बहुत, बिकॉज आई डोंट वांट कि कोई पॉइंटर मिस हो. मैं ये बताना चाहता हूँ पब्लिक को कि प्लीज प्लीज प्लीज, मैं जानता हूँ कि एक सिगरेट पीने वाले को आप एकदम से सिगरेट नहीं बोलेंगे कि बंद कर दो, एक अल्कोहलिक पर्सन को आप एकदम से नहीं बोलेंगे कि प्लीज जल्दी एकदम बायकॉट कर लो शराब, मगर शराब और सिगरेट फिलहाल के लिए बंद करिए, क्योंकि इट एक्चुअली इफेक्ट्स योर रेस्पिरेटरी यू नो सिस्टम. क्योंकि अगर आपके लंग्स हेल्दी होंगे तभी आप इस चीज में सर्वाइव कर सकते हो. इम्यूनिटी बढ़ाइए, उस पर फोकस करिए, और सिगरेट और दारू को फिलहाल के लिए
फिलहाल के लिए अभी रोक लगा दीजिए उस पे, क्योंकि अभी बहुत, और ये मिथ है कि ओल्ड एज वालों को हो रहा है, यंगस्टर्स को नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। ओल्ड एज वाले कितने हैं यार पॉपुलेशन में, और दुनिया में कितने यंगस्टर्स है ये आप अनुमान लगाइए, स्टैटिस्टिक्स देखिए। तो ये ज्यादा किस में फैलेगा जी, जो ज्यादा पॉपुलेशन के लोग है उनमें ज्यादा फैलेगा, है ना। तो मैं ये बता रहा हूँ 55% रिकवरी है अभी, अभी 100% रिकवरी नहीं है, 55% रिकवरी है अभी। और कुछ लोग आईसीयू में गए हैं, कुछ लोग ईसीएमओ, ईसीएमओ एक चीज है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईसीएमओ क्या होता है। वो आपकी ब्लड को एक्सट्रैक्ट करता है बॉडी से और रीऑक्सीजनेट करता है, और उसके बाद दोबारा बॉडी के अंदर डालता है ताकि आपके लंग्स जो है वो हील अप हो। तो इस प्रोसेस में क्यों जाना है मेरे भाइयों, क्यों जाना है इस सब प्रोसेस में, आईसीयू में, ईसीएमओ में, इन सब झमेलों में क्यों पड़ना है मेरे भाई। मत जाइए घर से बाहर, मत निकलिए। पार्टियां कर रहे लोग, यहाँ पे रैली निकल रही है। मिस्टर मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने बोला था कि आप यू नो यू शुड गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल दोस मेडिकल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड डॉक्टर्स, और लोग वहां पे उसका हवा बना रहे हैं, लोग मस्ती कर रहे हैं। मुझे भी इस बारे में बात करनी थी कि ये बहुत सारे वीडियोस जो सर्कुलेट हुए जहां पे लोग बाहर निकल गए, जुलूस निकालने लगे, वेरी अपसेटिंग, बहुत ही मैंने क्या बोलूं मैं, मतलब एक पढ़ा लिखा आदमी भी अगर ऐसी हरकत करेगा तो फिर क्या फायदा है यार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तुमने अगर मास्टर्स की है या किसी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी से की है, या बाहर बंदे बाहर लोगों को भेजते पढ़ने के लिए, यार क्या फायदा है। मेरे को तो नहीं लगता एक पढ़े लिखे आदमी और अनपढ़ आदमी में कोई फर्क है, जिस हिसाब से हरकतें कर रहे हैं। आप मेरे को एक बात बताइए, हॉरर मूवी तो देखते ही होंगे, हॉरर मूवी तो सब देखते हैं हम, हॉरर मूवी में हम क्या बोलते हैं, अरे अरे ये अंधेरे में क्यों जा रहे हैं, अरे अरे वहां तो गोस्ट है, वहां तो आत्मा है। ये हमारे एक और सफाई करने वाले एक भैया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना पिछले 15-20 मिनट से दो बंदे आ चुके हैं कमरे में। कैमरा घुमा के दिखाओगे एक बार क्या हो रहा है? बिल्कुल ये देखिए, ये हमारे एक और भैया है। सर आपका नाम बताइए। गोपाल भैया, तो देखिए सफाई कमरे को एकदम सफाई करने के उसमें इरादे से आए, एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से। तो जो लोग भी देख पा रहे हैं वो देख रहे हैं कि ये गवर्नमेंट की क्वारंटीन फैसिलिटी है। गोपाल भैया, पूरा भारत आपसे यही कहना चाहता है, थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया भैया। पूछे कोई दिक्कत नहीं है? अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, आपसे कोई शिकायत नहीं है भैया, पूछे बिल्कुल। यू आईज आर इनक्रेडिबल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रजत, थैंक यू सो मच। हाँ जी हाँ जी, पब्लिक को समझाएं, बोल रहे। अच्छा गोपाल भैया आप क्या बोलना चाहेंगे, पब्लिक आपको इस समय देख रही है, क्या बोलेंगे आप? हम क्या कहें, हम तो कहेंगे पब्लिक को अपने घर में रहे, हम लोग तो आप लोग के सेवा में लगे ही है, यहाँ जो बच्चे हैं बाकी जो घर में, घर में रहे तो अच्छा रहे, जिसको दूर करें हम लोग गाड़ी को, जिससे हम छुटकारा पाए, है कि नहीं? जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। कितने घंटे काम करते हैं आप दिन में? 12 घंटे। 12 घंटे पूरे, कितनी बार सफाई करते हैं कमरों की? कमरों की दो बार तो कर ही लेते हैं हम लोग, बाहर अंदर बाहर सब करके। बहुत बढ़िया, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच, हाथ जोड़ के, थैंक यू वेरी मच। तो देखा आपने भाई, थैंक यू सो मच, एंड बहुत बढ़िया लगा, वी कैन टच विद यू। अभी तुम्हारा आई थिंक कुछ 8 दिन का क्वारंटाइन, 14 डेज का बचा है। हां अभी 8 दिन। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, ये ना बहुत बढ़िया लगा, एंड थैंक यू कि लोगों के दिमाग में जो डर है वो खत्म किया हमने, एंड एक मीटर की दूरी पे बनाए रखिए, हाथ नहीं मिलाइएगा, घर में बैठिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोगों से। और सैनिटाइजर, विटामिन सी, मल्टी विटामिन, ओमेगा 3, जो फिश ऑयल जिसको हम बोलते हैं, वो ये सब चीजें प्लीज लीजिए, फाइबर लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल लीजिए, नॉनवेज बैन करिए, सिगरेट बैन करिए, शराब बैन करिए, पानी लीजिए कम से कम 4 लीटर दिन में पीजिए, और टेम्परेचर चेक करिए, ठीक है? ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है अगर आपको जिंदा रहना है। सुपर, एंड वी विल बी इन टच विद यू, ओके? कोई भी सवाल होंगे हमारे लिसनर्स के तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कबीर, एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट यू आर जस्ट एक्चुअली कन्वेइंग दिस थिंग होल ऑल ओवर यू नो इंडिया। तो आई मीन यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब, because of you people are getting in touch with this information, so thank you so much for that. Thank you guys, take care, bye bye.